नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में यूनिट संख्या 5वीं में हम आज अध्ययन करेंगे चैप्टर संख्या 20 में राजस्थान की औद्योगिक नीति के बारे में। राजस्थान की औद्योगिक नीति हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की। राजस्थान की औद्योगिक नीति 1994 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिसमें विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार की छूटें और उद्योगों की अहम भूमिका के रूप में इस नीति का गठन किया गया। इसी क्रम में उस नीति में होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान राजस्थान की उद्योग निवेश संवर्धन नीति 1910 में किया गया। उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। इस नीति की घोषणा जून 2010 के अंत में की गई। इसके रूल्स, रेगुलेशन, टर्म, कंडीशंस हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की निवेश एवं राजस्थान की उद्योग निवेश संवर्धन नीति 2010 में क्या है, कि सरकार की नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2010 जून माह के अंत में जारी की गई। इस नीति में प्रपत्र औद्योगिक नीति के उद्देश्य व्यावसायिक वातावरण में सुधार, उच्च कोटि के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना, दक्षताओं के स्तरों को उन्नत करना और भूमि की आसान उपलब्धि सुनिश्चित करना सम्मिलित किया, जिसमें माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर जोर देने और उसके प्रमुख उद्योगों को प्रोत्साहन करने के संबंध में आवश्यक नीतियों में विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया, जिनका विवरण हमें इस प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य व रणनीति कौन कौन सी रही। पहला बिंदु है नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य व रणनीति। नई औद्योगिक नीति व उद्देश्यों की रणनीति की हम बात करें तो इसमें मुख्यतया विनिर्माण से संबंधित विभिन्न प्रकार के घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के कंटेंट को शामिल भी किया गया। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों के निजी क्षेत्रों को इसमें अहम तरीके से भूमिका का विनिर्वहन किया गया, जिसमें पर्यावरणीय टिकाऊ औद्योगिक विकास को संतुलित व प्रदर्शित विकास को प्रोत्साहन देना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, मानवीय पूंजी का अधिकतम उपयोग करके ज्ञान चलित विकास भी करना। तो इस प्रकार इन उद्योगों को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक वातावरण में सुधारता को अहम भूमिका रहेगी। औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन को देख रेख करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक स्थापित की गई, जिसमें विभिन्न व्यावसायिक सुधार या विभिन्न पहलुओं पर विवेचन किया गया, जिसमें एकल खिड़की प्रणाली को सुदृढ़ किया गया। एकल खिड़की प्रणाली को भी इसमें सुदृढ़ तरीके से भूमिका का निर्वहन किया गया। एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें एकल खिड़की प्रणाली का एक अधिनियम बनाया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस प्रणाली को विकसित की गई, जिसमें मंत्रिपरिषद की औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रकार की रियायतें पैकेज कार्य सौंपे गए, जिसमें राजस्थान इंटरप्राइजेज सिंगल पॉइंट इन ब्लिंग एंड क्लीयरेंस एक्ट बनाया गया। उच्च गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया। उच्च गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। उच्च गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी इस नीति की अहम भूमिका रही। कैसे? इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया, जिसमें विद्युत सर्जन प्रसारण वितरण प्रोजेक्ट, सड़कों, पुलों, बाईपास मार्गों के लिए जलपूर्ति ट्रीटमेंट का वितरण, हवाई अड्डे आदि को लागू किया गया। इसमें पिछले 5 वर्षों में विरिको ने भी 50,000 एकड़ क्षेत्रों के उद्योगों का विकास किया गया, जिसमें वर्तमान में 8 स्वीकृत सहज इकाएँ भी है, जिसमें 3 सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत मानी जाती है, जिसमें शेष निजी क्षेत्र में सम्मिलित हैं।
राजस्थान के इंग्लैंड कनेक्टेड डिपो 3 हैं, जिसमें कनकपुरा जयपुर जोधपुर कोटा में स्थित है, खेमली उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में उस समय पावर सप्लाई अपर्याप्त थी, पर अब प्रस्तावित क्षमता 7716 मेगावाट थी, जिसमें 13-14 में कुल 10,000 मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य घोषित किया गया, जिसमें दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को 13 जिलों में अजमेर अलवर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ दौसा जोधपुर झुंझुनू कोटा नागौर पाली सीकर सिरोही को शामिल किया गया, जिसमें कुल दूरी का लगभग 39% अंश है जो DFC डेडिकेट फ्रेट कोरियर के रूप में सहद। कौशल विकास, भूमि की आसानी से उपलब्धि भी एक महत्वपूर्ण है। ये कौशल विकास किया गया उद्योगों का, कौशल विकास के माध्यम से उद्योगों के डेवलपमेंट या उसकी एक अहम भूमिका के रूप में, जिससे उद्योग तीव्र गति से वृद्धि करें, ये भी एक कौशल विकास योजना भी इसमें लागू की गई, जिसमें राजस्थान ऑटो इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य देखभाल, टेक्सटाइल, खान खनन, तेल गैस, खाद्य प्रसंग, पर्यटन, आतिथ्य, हथकरघा और IT क्षेत्र के उद्योगों को सम्मिलित किया गया। एक भूमि की आसान उपलब्धि भूमि की भी इसमें आसान उपलब्धि के आयाम को सम्मिलित किया गया, जिसमें आसानी से विभिन्न प्रकार के उद्योग सरकार के द्वारा खोले जा सकें। तो भूमि की आसानी से उपलब्धि निर्यात संवर्धन नीति 2010 में इसका क्रियान्वयन एवं गठन किया गया। तो भूमि की आसान उपलब्धि में राज्य के व्यर्थ भूमि क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में विद्यमान है, जो भूमि प्राप्त करने या अधिग्रहण करने या भूमि बैंक बनाने या भूमि में निवेश करने के नया दिशा निर्देश जारी किए गए, जो भूमि के उपयोग के लिए परिवर्तन भवन निर्माण की योजना में 15 दिन की स्वीकृति देने पर आपत्ति न होने पर लगभग सरल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश प्रोजेक्ट में भूमि खरीद पर 25% दिए गए, जिसमें 75% राशि सरकार की सुविधाओं पर दिए गए, जिसमें भूमि विकास बैंक की इसमें अग्रणी भूमिका भी रही है। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम श्रेणी उपक्रमों पर विकास, लघु व कुटीर उद्योग हैं, सूक्ष्म व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास पर जोर, सूक्ष्म एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास पर भी 2010 की नीति में अहम जोर भी दिया गया, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों जिसमें मुख्य से यहाँ एक क्लस्टर में न्यूनतम 20 इकाइयों को सम्मिलित किया गया, जिसमें वित्तीय सहायता माइक्रो एवं कुटीर उद्योगों को एक अनुदान के रूप में सब्सिडी के रूप में मुहैया भी दर्ज किया गया। एक प्रमुख क्षेत्रों को प्रोत्साहन, प्रमुख क्षेत्रों को प्रोत्साहन में भी इसकी राजस्थान उद्योग निवेश नीति को एक अहम भूमिका की, जिसमें इसके लिए निम्न क्षेत्र चुने गए, जिसमें ज्ञान क्षेत्र, जिला बिजनेस प्रोसेसिंग BPO की स्कीम 2010, पर्यटन पधारोसा, खनिज प्रसंस्करण, जेम्स ज्वेलरी, एग्री बिजनेस, टेक्सटाइल्स पोशाकें आदि लघु कुटीर उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण स्कीम्स, स्वरोजगार जिसमें हम बात करें तो 25 अगस्त 2010 तक निवेश प्रोत्साहन योजना 2010 घोषित की गई, जिसमें 2018 तक ये लागू किया गया, जिसमें कर राजस्व का 50% या उससे अधिक अनुदान के रूप में रखा है, जिसमें 30% राशि निवेश प्रोत्साहन के रूप में भी की गई, जिसमें 20% राशि अनुदान के रूप में पिछले वर्षों के लिए 10 वर्ष के लिए रखा गया। तो इस प्रकार इस नीति के सफल क्रियान्वयन रहे, जिसमें 2010 से पहले नीति 78, 90, 94, 98 की औद्योगिक नीति आ चुकी थी, इसमें भी एक अहम इसकी सफलता है। तो सुझावों की हम बात करें तो औद्योगिक विकास के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान बढ़ना चाहिए, राज्य में विद्युत प्रतिस्थापित क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, राजस्थान के औद्योगिक इकाइयों का सकारात्मक उपयोग होना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और राजस्थान में ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को नवजीवन प्रदान करने के लिए व्यवहारिक योजना भी बनानी चाहिए।
तो इस प्रकार राजस्थान की जो औद्योगिक नीति 2010 है, इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रयास किए गए जिसमें उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इनकी अग्रणी रूप से भूमिका रही। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की जो निवेश प्रोत्साहन नीति है 2014, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन नीति के कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से घटक हैं। तो हम आज की इस वीडियो में राजस्थान की या राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन नीति 2010 के बारे में हमने चर्चा की। अब हम राजस्थान निवेश नीति 2014 के प्रोत्साहन नीति 2014 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो हम इस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम कौन सी है, इन दोनों स्कीमों में उस स्कीम की क्या भूमिका रही, वाकई में क्या स्कीम वो सक्सेस रही। तो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रूप से 1994 की स्कीम्स पूछी जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2014। धन्यवाद।